गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना लेक्चर नंबर सेकेंड, जो कि अपना चैप्टर कल स्टार्ट हुआ था कैश बुक का, इसमें आज जो हम बात डिस्कस करेंगे, पीछे का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर वन में किया हुआ था, आज हम इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक रिविजन एक मिनट के लिए कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सोचा था, ये समझा था कि हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन है उसके दो ऑप्शंस है, या तो पुराने सिस्टम से जैसे आप चल रहे हो जर्नल एंट्री करो फिर लेजर में पोस्टिंग करो, या ऑप्शन नंबर सेकेंड आप चूज कर लो कैश बुक को मेंटेन करना। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बस केवल कि अगर आपका जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग होगा तो कैश बुक मेंटेन नहीं होगा। अगर आप कैश बुक मेंटेन करोगे, यानी कि कैश बुक में ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड करोगे, तो आपको फिर जर्नल और लेजर में पोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, राइट? इतना बात ध्यान में हमको रखना पड़ेगा, तभी इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है बेस समझ में हमको आएगा। बाकी सारी डिटेल्स पे हम नहीं जाते हैं, तो अभी लेके चलते हैं हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर वन पे और देखते हैं वहां पे कि वो क्वेश्चंस कैसा है, क्या आपने पहले कभी देखा है नहीं देखा है, और उसको कैश बुक में कैसे एंटर्ड हम लोग करेंगे, राइट? चलिए, न्यू स्क्रीन व्यू हो रहा है आपको, तो कैश बुक का क्वेश्चन नंबर वन है। देखिए, क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही मिला करता था पहले भी हमको। हम थोड़ा सा एक जर्नल एंट्री को हम करके दिखा देते हैं यहाँ पे कि कैसे पीछे आपने किया था, पहले आप कैसे कर रहे थे। तो क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। कैसा कॉलम कैश बुक है? अभी सिंगल, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि कैश बुक के चार टाइप्स होंगे, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एंड फोर्थ इज पेटी कैश बुक। तो अभी क्या बोल रहा है आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक में कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शंस को क्या करो, आप एंटर्ड करो। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट? तो आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस विथ कैश। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए थे पहले। अब ध्यान से अगर इसका जर्नल एंट्री करें, जो पीछे हमने किया था, पहले हम करते थे अर्लियर हम क्या कर रहे थे कि इस ट्रांजेक्शंस को हम पहले जर्नल एंट्री लिखते थे, फिर हम लेजर में पोस्टिंग करते थे। तो क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए? अगर हम कमेंस बिजनेस विथ कैश की बात करें, तो हमारे पास जर्नल एंट्री निकल के आता था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट? यही निकल के आता था। हाउ मच? 25,000। और हम नरेशन लिखते थे बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश। फिर इस चैप्टर के बाद आपने लेजर में गए। अब लेजर में आपने क्या किया, एक कैश अकाउंट को ओपन किया, मैं शॉर्टकट में यहां कर रहा हूं, और दूसरा कैपिटल अकाउंट, राइट? कैपिटल अकाउंट। और हम इसको क्या करते थे, इस लेजर में इस जर्नल एंट्री को हम लेजर में पोस्ट करते थे। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाते थे और क्या लिखते थे, टू कैपिटल 25,000, एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते थे और लिखते थे बाय कैश अकाउंट 25,000। अब ये काम पहले हुआ करता था, वैसा होना चाहिए, ये गलत नहीं है, लेकिन अभी हम नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं, अपना फोकस है कैश बुक में। तो ये एक चीज ध्यान में रखना है, अगर कैश बुक मेंटेन हुआ तो ना तो ये होगा काम और ना ही ये सारा काम होगा, राइट? हमको क्या करना है, सिंपली कैश बुक में एंट्री करना है। तो डायरेक्टली, मतलब विदाउट गोइंग टू जर्नल एंट्री, डायरेक्टली हमको पहुंच जाना है कैश बुक पे। अब कैश बुक में ये ध्यान रखना है, जो आपके कैश बुक का फॉर्मेट जो रहेगा कुछ ऐसा दिखेगा, देख रहे हो, ये सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम है कैश बुक में। सिंगल कॉलम कैश बुक जब हम मेंटेन करेंगे, तो हमारे को क्या ध्यान रखना है, हमारे को ये ध्यान रखना है
कि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स आएंगे वो केवल कैश रिलेशन में आएंगे। एक बार फिर से फॉर्मेट को भी हम डिस्कस कर देते हैं। आपके पास कैश बुक रहेगा, ये अकाउंट नहीं है, ध्यान से, ये कैश अकाउंट नहीं है, ये कैश बुक है। तो कैश बुक कर लिखते ही आपका जर्नल एंट्री तो अब नहीं होगा, डायरेक्ट आप ऐसा कह सकते हो समझने के लिए कि डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग होने जा रहा है, राइट। अब क्या है, इसमें भी डेबिट कॉलम रहेगा, सॉरी डेबिट साइड रहेगा और क्रेडिट साइड रहेगा। डेबिट साइड डिनोट फॉर रिसीट्स, राइट, एंड क्रेडिट साइड जो आपको दिखाएगा वो दिखाएगा पेमेंट। तो आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि जो भी कैश से रिलेशन में आइटम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओनली कैश आइटम, ओनली कैश आइटम्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। इसी को केवल आपको रिकॉर्ड करना है। अब इसके डेबिट साइड में जो भी कैश आपका रिसीट्स हो रहा है वो आपको डेबिट साइड में, राइट, और जो भी आप कैश आप पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, उसको कहाँ पे लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में। इतना बात ध्यान में रखना है। एक दो ट्रांजेक्शंस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब यही ट्रांजेक्शंस आपके पास है, पहला ही आप सोच के देखिए, कमेंस बिजनेस विद कैश, आपके पास कैश आया, राइट, तो कैश बुक में एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो हम कैश बुक के डेबिट साइड में जाएंगे और जो दूसरा लेजर है वो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा हमको। तो क्या लिखेंगे, 1 मई को टू कैपिटल अकाउंट 25,000, राइट, सिंपल डायरेक्ट पोस्टिंग, नो जर्नल एंट्री। कितना काम बचने वाला है आपका। चलिए, 3 तारीख को आपको बॉट गुड्स फॉर कैश। अब आपने कैश में गुड्स को परचेज किया है तो पैसा गया, पैसा जैसे ही गया आप किस साइड में जाओगे, क्रेडिट साइड में, और लिखोगे बाई परचेज हाउ मच 10,000। तो सेम लाइक ये कैश अकाउंट की तरह दिख नहीं रहा है, बस डायरेक्टली एंट्री हो रहा है। पेड कैरेज, कैरेज आपने पे किया 200 रुपीज का, जाइए कैरेज पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा 200, राइट, सिंपल। समझ में आ रहा है बात, क्या बहुत मुश्किल काम है, आई थिंक नो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000, राइट, आपने सामान बेचा है कैश में तो आपके पास पैसा आएगा, ऑब्वियसली आएगा, अब क्या करोगे, टू सेल्स अकाउंट हाउ मच 6,000। ऐसे ही आपको करना है, बस केवल एक ध्यान में रखना है, जो कोई काम अगर आपका कैश के अलावा होगा वो कैश बुक में एंट्री नहीं होगा। अब इसमें तो जानबूझ के सारा खर्चा कैश में ही दिया गया है, बस आपको रिकॉर्ड करने हैं, राइट। अब आप ही बताइए, रिसीव्ड फ्रॉम राम 1,000, कहाँ पे जाके लिखें, किस साइड में, आप ही बताइए। 10 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम राम, डेबिट साइड में, डेबिट, क्या लिखेंगे, नाम राम, टू राम 1,000, ठीक है, कैश रिसीट, नरेशन तो लिखना नहीं है यहाँ पे, आपको सिंपल केवल क्या लिखना है, कैश बुक में। बस सिंपल अगर थंब रूल अगर याद कर लो, कि बस अगर नहीं भी कॉन्सेप्ट समझ में आए तो एक ऐसा रूल याद कर ले, जो आएगा उसको कैश बुक के डेबिट साइड में और जो जाएगा उसको कैश बुक के क्रेडिट साइड में, ओके, ये सारा बात समझ में आ रहा है हमको। चलिए, 12 तारीख को है पेड टू शिव कुमार 2,600, कहाँ लिखोगे, पेड टू शिव कुमार, हाँ जी, पेड टू शिव कुमार 2,600, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, भाई शिव कुमार, भाई शिव कुमार। तो ऐसे ही आपको फॉलो अप करना है, तो बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बात में ध्यान में रखना। अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो जर्नल लेजर नहीं करोगे कैश का। हाँ, लेजर ओपन होगा, किसका लेजर ओपन होगा, कैपिटल का, सेल्स का, परचेज का, ये सारे लेजर ओपन हो सकते हैं, लेकिन आपका कैश अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपके आएंगे डेबिट क्रेडिट वाले, उसके बाद इसको भी आपको बैलेंस करना है, राइट, तो ये बाई बैलेंस
मंथ के एंड में आप जाके बाई बैलेंस सीडी कर दोगे, यानी कि 16,300 अभी बच रहा है आपके पास, ये बीडी हो जाएगा, राइट। तो यही सिस्टम है, 28 तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये नहीं आता हमको, ड्रॉइंग है ना, पैसा निकालोगे तो पैसा बिजनेस से जाएगा, राइट। 2200 यहाँ देखिए बाई ड्रॉइंग नहीं लिखा हुआ है, राइट। ये नया कॉन्सेप्ट थोड़ी है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आप बिजनेस से पैसा 2200 रुपए निकाल के घर पे ले गए तो हम क्या जर्नल एंट्री करते थे, अगर जर्नल एंट्री से ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश यही करते थे ना, राइट। अब जर्नल एंट्री तो करना नहीं है, बस पैसा बिजनेस से निकला। फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूँ, हम बिजनेस की बुक्स में एंट्री करते हैं, प्रोप्राइटर के यहाँ नहीं करते हैं, राइट। तो बिजनेस से पैसा निकला है तभी आपके घर पे आएगा, बिजनेस अलग है। जैसे आपने कमेंस बिजनेस विद कैश किया तो कैश आया था ना, प्रोप्राइटर घर से पैसा 25,000 लेके दुकान में लेके आया तो दुकान में पैसा आया, वैसे ही दुकान से पैसा वो निकाल के ले गया, जब आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, राइट। ठीक है, चलिए इसमें पॉइंट ऑफ नॉलेज दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। द बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक इज डन लाइक एनी अदर अकाउंट, दैट इज डेबिट कॉलम रिसीप्ट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट कॉलम, ऑब्वियसली बात है, पैसा जो आएगा वो जाने से ज्यादा ही रहेगा, ऑब्वियसली बराबर हो सकता है लेकिन कम तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपया आया और 200 रुपया आपने पेमेंट कर दिया, ऐसा होगा क्या, कभी भी नहीं होगा, आपको 100 रुपया और कहीं ना कहीं से कर्जे लेने पड़ेंगे, राइट। तो आई थिंक इसके ऊपर आपके पास बुक का भी, आपके बुक का भी क्वेश्चन सब बनना शुरू हो जाएगा आज से। तो इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, जो सिंगल कॉलम कैश बुक वाले हैं, राइट, ये भी है सेम टू सेम कैश अकाउंट की तरह ही है, लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना जरूरी था इसलिए ऐसा किया गया, राइट। तो थर्ड नंबर भी सिंगल कॉलम कैश बुक ही है, फोर्थ नंबर भी सिंगल कॉलम कैश बुक ही है। तो आज आपका होमवर्क रहना चाहिए सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेशन में, जितने भी आपके बुक्स में इलस्ट्रेशन है, 3-4 होंगे ही, इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चंस आपको करना चाहिए सिंगल कॉलम कैश बुक का, राइट। चलिए और कोई डाउट, और कोई जो डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर कोई और डाउट है आपके पास अभी फिलहाल तो। हाँ जी, और कोई आपका डाउट है जीएसटी वाला, हम बोलो जीएसटी का क्या बोल रहे थे। जीएसटी में क्या चलिए फिर से ज्वाइन करिए। आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन 5 तक एंड क्वेश्चन 5 तक कैश बुक के चैप्टर का, आपको वो क्वेश्चंस करिए, कोई डाउट आता है तो फिर हम लोग कल देखेंगे, अगर कोई डाउट नहीं आता है तो कल हम डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में आपको पेटी कैश बुक के बारे में बताएंगे। तो इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस की तरह यूज नहीं करना है हमको, सिंपल कैश अकाउंट की तरह ही इसको ट्रीट करना है बस, इसमें तो और आपका काम आसान हो रहा है, आपको जर्नल एंट्री नहीं करना पड़ रहा है, फिर लेजर में पोस्टिंग नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट कैश बुक में जाके पोस्ट कर देना पड़ रहा है, ठीक। होप सो आपका चैप्टर बढ़िया से स्टार्ट हो चुका है। अब जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करोगे अपने हाथ से तब तक बातें बहुत नहीं बन पाएगी, तो इसी आशा के साथ कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।